हाई एवरीवान हेलो 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 चलो भाई सारे के सारे क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स फटाफट से आ जाएँगे और सेशन को ज्वाइन कर लेंगे ताकि आज के इस सेशन की कहानी को हम शुरू कर पाएँ यस हेलो एवरीवान हेलो भैया क्लास टेंथ स्टूडेंट्स फटाफट से आ जाइए सेशन में ताकि अपन सेशन को जो है शुरू कर पाएँ यस आवाज़ आ रही है एकदम प्रॉपरली आवाज़ आ रही है आपके कानों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है एकदम अच्छे से चलो बहुत बढ़िया तो मैं विजिबल भी हूँ ऑडिबल भी हूँ ऑल गुड एंड ऑल क्लियर अब जल्दी से इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए येस अ वेरी गुड मॉर्निंग अ वेरी हैप्पी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर क्लास टेंथ स्टूडेंट्स फटाफट से सेशन में आ जाओ और आपको पता ही है कि सेशन में आने के बाद आपका नेक्स्ट काम क्या होता है नेक्स्ट काम आपका ये होता है कि इस सेशन को फटाफट -फड़ से शेयर कर दिया करो ताकि आपके सारे फ्रेंड्स आपके सारे क्लासमेट्स तक ये जानकारी पहुंच जाए ये मैसेज कन्वे हो जाए कि भाई अब मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास टेंथ केमिस्ट्री की क्लास शुरू हो चुकी है ठीक है तो इसके लिए जल्दी से सेशन को शेयर करो और अपने जो क्लासमेट्स हैं उन तक ये मैसेज पहुँचाओ मैं बिल्कुल ठीक हूँ कविता आप कैसे हो चलो आ गए हैं सभी बच्चे शुरू कर की जाए आज के इस सेशन की कहानी जल्दी से सेशन में ज्वाइन करो देखो ब्रेक आपको मिल गया ना पंद्रह मिनट का ब्रेक आपको मिल गया अब जल्दी से सेशन में ज्वाइन करो ताकि अपन सेशन जो है शुरू कर पाए ठीक है चलो करें स्टार्ट करें आ जाओ फिर आ जाओ पढ़ाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों का वेलकम कर लेती हूँ हेलो एवरीवन दिस इज़ विभूति खरे वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन अब इस सेशन में हम क्या करेंगे टारगेट क्या होगा सेशन का वो मैं आपको बता देती हूँ जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस सेशंस से हम क्लास टेंथ बायोलॉजी का सॉरी क्लास टेंथ केमिस्ट्री का क्लास टेंथ केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर डिस्कस करते आ रहे हैं एंड दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट और अभी तक हमने इस चैप्टर के कुछ बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस कर भी लिया है जैसे कि हमने एसिड्स एंड बेसिस की उनके जो रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं हमने डिस्कस कर लिया है उनको अच्छे से उसके अलावा हमने इंडिकेटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस कर लिया कि भाई इंडिकेटर्स क्या होते हैं और किस तरीके से बताते हैं कि कौन सा सोल्यूशन नेचर में एसिडिक है कौन सा बेसिक है कौन सा न्यूट्रल है तो हमने इंडिकेटर्स के ऊपर भी बात कर ली है फ़िलहाल हमें बात करनी है आज के इस सेशन में पीएच की प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको पीएच के बारे में पढ़ाया था पी के बारे में मैंने आपको कल थोड़ी सी जानकारी दी थी तो आज सबसे पहले हम उसी जानकारी को एक बार रिवाइज़ कर लेंगे मतलब कि प्रीवियस सेशन का हम एक बार क्विक रिकैप कर लेंगे उसके अलावा पीएच की कहानी को हम और कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यू करते करते हम बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर की और यूनिवर्सल इंडिकेटर को पढ़ करके हम बात करेंगे रोल ऑफ पीएच की जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें देखने को मिलते हैं मतलब कि रोल्स ऑफ पी एच इन एवरी डे लाइफ ये टॉपिक है आपकी एन बुक में दिया हुआ है तो एन बुक में दिए हुए हर टॉपिक को हमें पढ़ना ही है चाहे जो हो जाए तो ये सब चीज़ें आज के इस सेशन में हमें कवर करनी है पीएच हम पढ़ चुके हैं रिवाइज़ करेंगे उसको फिनिश करेंगे फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में पीएच का रोल देखेंगे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो बस यही है सेशन का टारगेट होपफुली आपको समझ में आया होगा अब जब समझ में आ ही चुका है तो एक काम करते हैं ना अपने सेशन के टारगेट को अचीव करने के लिए आ जाओ हम करते हैं अपने सेशन को शुरू चलो अब यहाँ देखो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको पीएच के बारे में पढ़ाया था और पीएच के बारे में पढ़ाने के पहले मैंने आपको बताया था कि आपके पास चाहे कोई भी सोल्यूशन क्यों ना हो एसिडिक हो बेसिक हो या फिर वो एक न्यूट्रल सल्यूशन हो हर एक सल्यूशन में आपको एच पॉजिटिव आयन्स एंड ओ एच नेगेटिव आयन्स दोनों ही देखने को मिलते हैं बताया था ना नॉर्मली हमको लगता है कि एसिडिक सल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन्स होंगे बेसिक सोल्यूशन में ओ एच नेगेटिव आयन्स होंगे है ना और न्यूट्रल सोल्यूशन में दोनों होंगे या शायद दोनों ही नहीं होंगे तो रियलिटी ये है कि चाहे आपके पास सोल्यूशन कोई भी क्यों ना हो एसिडिक हो बेसिक हो या फिर वो एक न्यूट्रल सोल्यूशन हो कैसा भी सोल्यूशन क्यों ना हो हर एक सोल्यूशन में आपको एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयन्स दोनों ही देखने को मिलते हैं फर्क आ जाता है किसमें उनके कॉन्सेंट्रेशन में जैसे कि जब हम बात करते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन की एक न्यूट्रल सल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो न्यूट्रल सल्यूशन में एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर बराबर होता है एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर बराबर होता है मतलब कि न्यूट्रल सल्यूशन में जितने एच पॉजिटिव आयन्स होंगे उतने ही ओ एच नेगेटिव आयन्स होंगे मतलब ये है कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर होने का मतलब क्या यही है कि न्यूट्रल सल्यूशन में जितने भी एच पॉजिटिव आयन्स होंगे एग्जैक्टली exactly उतने ही क्या होंगे नेगेटिव UH भी होंगे कितने होते हैं तो टेन रेस टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर हम बार बार बोल रहे हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन बराबर है बराबर है न्यूट्रल सोलूशन में लेकिन कितना है कॉन्सेंट्रेशन तो एक न्यूट्रल सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है टेन रेस टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर अब क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन हम मोल्स के टर्म्स में दे रहे हैं इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे एच पॉजिटिव आयंस का और मोलर कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये ब्रैकेट क्या इंडिकेट करते हैं कि हम बात कर रहे हैं एच पॉजिटिव आयंस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन की एच पॉजिटिव आयंस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन की कहाँ न्यूट्रल सल्यूशन में कितने होते हैं तो टेन डेज टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर अब जब बोल रहे हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर है न्यूट्रल सोल्यूशन में तो जाहिर सी बात है ओएच नेगेटिव आयन्स का भी ओएच OH नेगेटिव का भी जो मोलार आयोजितेशन है न्यूट्रल सोल्यूशन में वो कितना होगा इतना ही होगा टेन एस टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर ठीक है जब हम बात करते हैं एसिडिक सोल्यूशन की तो एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है एच पॉजिटिव आयंस का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो ओ एच नेगेटिव आयंस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो जाता है बिस कोई भी टाइप का सोल्यूशन हो दोनों ही तरह के आयन्स मिलेंगे फर्क क्या होता है इनके कॉन्सेंट्रेशन में आ जाता है जैसे कि न्यूट्रल सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर होता है वहीं एसिडिक सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन्स ज्यादा होते हैं ओएच नेगेटिव आयन्स से तो हम बोल सकते हैं कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है एच पॉजिटिव आइंस का वो ज़्यादा हो जाता है ओ एच नेगेटिव आयंस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन से जब हम बात करते हैं एक बेसिक सोल्यूशन की तो बेसिक सोल्यूशन में क्या होता है ओ एच नेगेटिव आयन्स ज्यादा होते हैं मतलब कि बेसिक सोल्यूशन में ओ एच नेगेटिव आयन्स का ओ एच नेगेटिव आयन्स का जो मोलर और कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है एच पॉजिटिव आयन्स के मोलर और से। एच नेगेटिव आय का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है एच पॉजिटिव आइंस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ बेसिक में तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर मैंने आपके लिए सब कुछ कंक्लूड कर दिया है और आगे भी हम कंक्लूजन जो है ऐसे लिखते ही जाएंगे तो आपके साथ साथ नोट्स भी बनते जा रहे हैं ठीक है यह हो गया अब इसके बाद में मैंने आपको बताया था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट इसका मतलब क्या होता है जब भी हम किसी न्यूट्रल सल्यूशन की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया है पानी का पानी क्या है न्यूट्रल सल्यूशन है तो उसमें H पॉजिटिव आयन्स एंड ओवेच नेगेटिव आयन्स के मोलार कॉन्सेंट्रेशन का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो कितने के बराबर आएगा 10 डेज टू पावर माइनस फोर्टीन मोल्स पर लीटर के बराबर आएगा भाई हमको पता है ना न्यूट्रल भाई हम शुरुआत जो है पानी से क्यों कर रहे हैं न्यूट्रल सोल्यूशन से क्यों कर रहे हैं क्योंकि न्यूट्रल सोल्यूशन में या पानी में हमें पता है कि एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयंस का मोलार कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा कहने को तो एसिडिक सोल्यूशन में हमको पता है कि एच पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है ओ एच नेगेटिव आयंस के कंसेंट्रेशन से लेकिन कितना ये तो नहीं पता बेसिक सोल्यूशन में भी हमको पता है कि ओ एच नेगेटिव आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होता है h पॉजिटिव आयंस के से लेकिन कितना है कितना oh है कितना h है ये तो नहीं पता ना पता किसका होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन का जैसे कि पानी का उसमें हमें h पॉजिटिव एंड oh नेगेटिव आयंस के मोलर कंसंट्रेशंस की वैल्यू पता होती है कि h पॉजिटिव आयंस कितने होंगे मतलब h पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन कितना होगा इतना होगा oh नेगेटिव आयंस का भी ट्रेशन कितना होगा इतना होगा तो न्यूट्रल सोलूशन के बारे में हमें पता होता है इसलिए शुरुआत हम उसी से करते हैं क्या कि जब हम इन दोनों के ही मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितने के बराबर वैल्यू आ जाएगी तो 10 रेस टू पावर माइनस फोर्टीन मोल्स पर लीटर के बराबर वैल्यू आ जाएगी इसको अपन क्या बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ये होता क्या है प्रोडक्ट होता है किसके बीच का तो H पॉजिटिव आय के मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड ओवच नेगेटिव आय मोलर कॉन्सेंट्रेशन के बीच का इन दोनों के ही मोलर कॉन्सेंट्रेशन के बीच का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है टेन टू पावर माइनस फोर्टीन मोल्स पर लीटर जिसको अपन क्या बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ वॉटर शुरुआत हमने करी है न्यूट्रल सोलूशन के साथ अब ये जो आपके पास आया है ना बच्चों ये सारे सोल्यूशन के लिए सेम रहता है चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो और न्यूट्रल में तो हमने निकाल करके ही देख लिया कि एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो कितना आता है टेन रेस टू पावर माइनस फोर्टीन मोल्स पर लीटर कैसे आया है भाई इसका हमें पता है कितना है टेन रेस्ट टू पावर माइनस सेवन इसका भी हमें पता है टेन रेस टू पावर माइनस सेवन मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है पावर एड हो जाती है तो कितना हो जाएगा टेनर टू पावर माइनस फोर्टीन है ना तो ये तो न्यूट्रल सोलूशन का तो हमने अपने आग के सामने निकाल करके देख लिया है बाकी एसिडिक हो हो चाहे बेसिक किसी भी में ये जो आयनिक प्रोडक्ट होता है ना इसकी वैल्यू इतनी ही आती है चाहे आपके पास दुनिया का कोई भी एसिडिक सोल्यूशन क्यों ना हो कोई भी बेसिक सोल्यूशन क्यों ना हो कोई भी आपके पास न्यूट्रल सोल्यूशन क्यों ना हो आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सबके लिए सेम रहेगी टेन रेस टू पावर माइनस फोर्टीन मोल्स पर लीटर रहेगी ठीक है कैसे? तो जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में एग्जाम्पल दिया था कि बेटा आपके पास वी वॉल्यूम का एक बॉक्स है अब क्योंकि वॉल्यूम कितनी है बॉक्स की वी है तो उसमें 26 बॉल ही आ सकती है आप और कितने भी बॉक्स लेकर के आ जाओ V वॉल्यूम के अगर वॉल्यूम वी है बॉक्स की तो उसमें छब्बीस बॉल ही आएंगी सिर्फ छब्बीस बॉल आएंगी सेम साइज़ की बाकी किसी भी शेप का किसी भी कलर का आप कैसा भी बॉक्स ले आओ अगर उसकी वॉल्यूम वी है तो उसमें छब्बीस बॉल ही आएंगी चाहे जो हो जाए छब्बीस से ज़्यादा नहीं आ पाएंगी अब छब्बीस में से डिपेंड करता है कि आप व्हाइट कलर की बॉल्स कितनी ले रहे हो ब्लैक कलर्स की बॉल कितनी मतलब ब्लैक कलर की बॉल्स कितनी ले रहे हो वो जो अमाउंट है वो आप वेरी कर सकते हो अपने मर्जी के हिसाब से ना उसको चेंज कर सकते हो लेकिन अगर आपके पास एक वी वॉल्यूम का बॉक्स है तो उसमें 26 ही बॉल आएंगी चाहे जो कर लो 26 से ज़्यादा नहीं आ पाएंगी अब 26 में से आपका मन है तो आप 13 ब्लैक बॉल्स ले लो 13 वाइट ले लो या 20 ब्लैक ले लो छह जो है ना व्हाइट ले लो कुछ भी ले लो नंबर जो है जो आ, मतलब छब्बीस बॉल में से ब्लैक एंड व्हाइट बॉल्स का जो नंबर है वो ऊपर नीचे आप कर सकते हो लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आनी है छब्बीस ही आनी है तो यहाँ पर भी ऐसे कि आपके पास चाहे जो भी सोल्यूशन क्यों ना हो उसमें एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयन्स के आ, मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो इतना ही आएगा इतना ही आएगा अब इतने में से आप एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयन्स के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू है वो आप कम ज्यादा कर सकते हो जैसे कि अगर आपके पास एक एसिडिक सोल्यूशन है जिसमें कि एच पॉजिटिव आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना है कॉन्सेंट्रेशन है टेन रेस टू पावर माइनस सिक्स मोल पर लीटर तो अगर आपके पास एक एक एसिडिक सल्यूशन है जिसमें कि एच पॉजिटिव आयंस का मोलार कॉन्सेंट्रेशन कितना है टेन रेस टू पावर माइनस सिक्स मोल्स पर लीटर है तो आप मुझे बता सकते हो कि इस सोल्यूशन में ओव एच नेगेटिव आयंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी रहेगी भाई आपको पता ना कि एसिडिक सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है टेन रेस टू पावर माइनस सिक्स मोल्स पर लीटर तो ओवच नेगेटिव आयंस का कितना हो जाएगा अरे चौदह में से छह माइनस कर दो कितना हो जाएगा टेन रेस टू पावर माइनस एट मोल्स पर लीटर क्यों क्योंकि हमको बोल दिया गया ना कि वी वॉल्यूम की बॉक्स में 26 बॉल ही आ पाएंगी कोई भी सोल्यूशन क्यों ना हो इन दोनों के ही का जो प्रोडक्ट है वो इतना ही आएगा चाहे जो कर लो चाहे जो कर लो आप जो है एच पॉजिटिव एंड नेगेटिव एच नेगेटिव आयसेंट्रेशन की जो वैल्यूज है वो ऊपर नीचे कर सकते हो कम ज्यादा कर सकते हो लेकिन जो प्रोडक्ट होगा ना वो इतना का इतना आएगा

छह प्लस आठ टेन रेज टू पावर माइनस फोर्टीन आया कि नहीं आया तो चाहे जो सोल्यूशन क्यों ना हो एच पॉजिटिव एंड ओवच नेगेटिव आयन के मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कितना होगा टेन रेज टू पावर माइनस फोर्टीन मोल्स पर लीटर मतलब कि जो आयनिक प्रोडक्ट है ना ये सारे सोल्यूशन के लिए सेम रहता है जैसे कि मैंने बोला कि हमारे पास एक बेसिक सोल्यूशन है जिसमें कि ओवच नेगेटिव आयन का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है टेन रेस टू पावर माइनस फोर्टीन मोल्स पर लीटर बेसिक सोल्यूशन है उसमें ओवच नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है टेन रेस्ट टू पावर माइनस फोर्टीन नहीं माइनस टेन माइनस टेन सॉरी वेरी सॉरी माइनस टेन तो ओवच नेगेटिव आयंस का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वैल्यू कितनी है टेन रेस टू पावर माइनस टेन मोल्स पर लीटर तो H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा माइनस फोर मोल्स पर लीटर तो H पॉजिटिव आयंस का पता है OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन पता है दोनों को ज़रा इनका जो है ना निकालो प्रोडक्ट निकालो तो निकालो इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा माइनस टेन प्लस माइनस फोर माइनस फोर्टीन आया कि नहीं आया माइनस फोर्टीन आया कि नहीं आया तो चाहे जो भी सोल्यूशन क्यों ना हो जो आयोनिक प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है सेम रहती है सारे सोल्यूशन के लिए मोल्स पर लीटर ठीक है फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि भाई एक डैनिश माइक्रो एक डैनिश जो है बायोकेमिस्ट आए थे जिनका नाम था सोरेन्सन उन्होंने क्या बोला कि यार मैं ना किसी भी सोल्यूशन में जो उसके एच पॉजिटिव आयंस का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैं पीएच के टर्म्स में एक्सप्रेस करूंगा सोरेंसन so, ने बोला कि भाई किसी भी सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैं पीएच के टर्म्स में एक्सप्रेस करूंगा पीएच मतलब क्या होता है पी का मतलब डैनिश uh, लैंग्वेज में होता है पोटेंस डे हाइड्रोजन पोटेंस डे हाइड्रोजन क्या मतलब होता है पीएच का डैनिश लैंग्वेज में पोटेंस डे हाइड्रोजन मतलब कि यहां पर हम बात कर रहे हैं H पॉजिटिव के पावर की पावर ऑफ H पॉजिटिव ठीक है तो आयो ने पीएच का फॉर्मूला क्या दे दिया करना चाह रहे थे किसी भी सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन्स के मोलार कॉन्सेंट्रेशन को पीएच के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाह रहे थे तो इसके लिए उन्होंने क्या कर

उसकी वैल्यू यदि आप यहां पे रख दोगे ना तो उस सोल्यूशन का क्या आ जाएगा पीएच एच निकल करके आ जाएगा तो शुरुआत हम करते हैं किसके साथ न्यूट्रल सोलूशन के साथ, साथ. शुरुआत हम करते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन के साथ अभी मैं रिवाइज करवा रही हूं कर लो रिवाइज करवा रही हूं कर लो इसके बाद में जो है आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए ठीक है अभी रिवाइज करवा रही हूं तो करते जाओ अभी कुछ देर बाद आपसे सवाल पूछूंगी मैं तो सवालों के जवाब दे देना ठीक है ना चलो अब यहां देखो हम्म यहां देखो तो चलो देखो शुरुआत करते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन के साथ पानी एग्जाम्पल पानी पानी में H पॉजिटिव आयंस का जो मोलार कंसंट्रेशन है कितना होता है 10 रे टू पावर -7 मोल्स पर लीटर इतना होता है ना अब इसको रख दो आप कहां पीएच के फॉर्मूले में तो पीएच यहां देख लो पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 H पॉजिटिव आयंस का जो मोलार कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू यहां पर हम रखेंगे कितनी है 10 रे टू पावर -7 तो टेन रेस टू पावर माइनस सेवन यहां पर हमने रख दिया अब क्या होगा ये जो पावर है ये सामने आ जाएगी साइन के साथ ये पावर जो है पूरी की पूरी ये power जो है पूरी की पूरी की के साथ सामने आएगी तो कितना हो जाएगा pH इज इक्वल टू माइनस ये माइनस तो ये वाला माइनस है और ये पावर पूरी की पूरी साइन के साथ सामने उठ करके आ गई है तो माइनस सेवन है ना ये माइनस साइन फॉर्मूले का माइनस साइन है बाकी क्या हुआ ये जो पूरी की पूरी पावर है ये उठ करके सामने आ गई है तो माइनस सेवन लॉग टू ब्रैकेट में टेन है केवल जो पावर है ना वो सामने उठ करके आई है बाकी जो टेन है वो तो वही का वही रहेगा तो लॉग टेन टू द बेस टेन की वैल्यू कितनी होती है वन होती है ब्रैकेट खोलेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो सेवन इंटू प्लस कर दो सेवन इंटू वन कर दो कितना हो जाएगा सेवन इंटू वन कितना हो जाएगा सेवन तो पीएच जो है न्यूट्रल सोल्यूशन जैसे कि पानी का पीएच कितना आ गया पीएच वैल्यू कितनी आ गई सेवन आ गई तो यही तो सोरेंसन कर, सोरेंसन करना चाह रहे थे कि, कि किसी भी सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू है उसको वो पी में एक्सप्रेस करना चाह रहे थे तो इसके लिए पी का फॉर्मूला उन्होंने दिया कि माइनस टू द बेस टेन ऑफ एच पॉजिटिव ये आपके पास जो भी है, उसमें जो भी भी एक्स वाई जेड है है उसमें एच पॉजिटिव का मोलर उसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख दो तो उस सोल्यूशन का आपके पास क्या आ जाएगा पीएच आ जाएगा आपके पास सोल्यूशन की पी वैल्यू आ जाएगी तो यहां पर जब हमने एक न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच निकालने की कोशिश करी तो पीएच वैल्यू कितनी आ गई सेवन आ गई कितनी आ गई सेवन आ गई ठीक है अब देखो हम बात करते हैं एक एसिडिक सोल्यूशन की एसिडिक सोल्यूशन में हम पहले ही बोल चुके हैं कि H पॉजिटिव आयन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो OH एच नेगेटिव आयंस के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होता है H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन OH एच नेगेटिव आयंस के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होता है हम ये भी बता चुके हैं कि भाई H पॉजिटिव आयंस ओ OH नेगेटिव आयंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा टेन रेस टू पावर माइनस फोर्टीन मोल्स पर लीटर के बराबर होगा ये भी हम बता चुके हैं यानी कि इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर आपके पास एक एसिडिक सोल्यूशन है तो उस एसिडिक सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयार कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू है जो वैल्यू है वो या तो कितनी हो टेन रेस टू पावर माइनस सिक्स मोल्स पर लीटर हो या उससे ज्यादा हो उससे ज्यादा हो नेगेटिव में जो छो, जो छोटा नंबर होता है एक्चुअली में वही बड़ा नंबर होता है कल के सेशन में मैंने आपको पढ़ा था कि नेगेटिव में जो नंबर छोटा होता है एक्चुअली में वही क्या होता है बड़ा नंबर होता है तो माइनस सिक्स माइनस फोर्टीन में बड़ा नंबर कौन सा होगा ये क्यों नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है एक्चुअली में वही बड़ा नंबर होता है तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा ये भाई अगर आप बोलो कि मैम हमारे पास तो एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें कि एच पॉजिटिव आंस का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है टेन रेस टू पावर माइनस सेवन है अच्छा

तो तुम्हें एच पॉजिटिव आय का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ओ एच नेगेटिव आयसेंट्रेशन से ज्यादा करना ही पड़ेगा तब जाकर कि तुम्हारा जो सोल्यूशन है वो क्या बनेगा एसिडिक बनेगा इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास चाहे दुनिया का कोई भी एसिडिक सल्यूशन क्यों ना आ जाए उस एसिडिक सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आय के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू है वो टेन रेस टू पावर माइनस सिक्स मोल्स पर लीटर से ज्यादा ही रहेगी मतलब या तो वैल्यू कितनी हो एच पॉजिटिव आयंस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू या तो कितनी हो सल्यूशन में इतनी हो या फिर इससे ज्यादा हो इससे ज्यादा मतलब क्या टेन रेस टू पावर माइनस फाइव टेन रेस टू पावर माइनस फोर या तो 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 ये 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 हो, हो, ठीक है? है, तो है आपके पास जो भी है, पहली बात तो ये है कि को बनाने के लिए आपके पास सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आइन्स को होना पड़ेगा. से OH के से? अगर बराबर बराबर होंगे फिर तो आपके पास न्यूट्रल सोलूशन आ जाएगा अगर ओ एच नेगेटिव आयंस ज्यादा होंगे तो फिर वो बेसिक सोल्यूशन बन जाएगा तो में बनाना है। इसके लिए कितना बढ़ सकता है एच पॉजिटिव आयंस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन या तो टेन इज टू पावर माइनस सिक्स हो या उससे बड़ा हो बड़ा मतलब कि साइन मैंने उल्टे लगा दिए अरे यार साइन मैंने उल्टे लगा दिए चलो इसको मैं ठीक कर देती हूँ या तो या 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 उससे 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 बड़ा 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 भी 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 तो एसिडिक सोल्यूशन के होने की ये कंडीशन है कि उस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी हो सकती है

तो H पॉजिटिव आयंस के कॉन्सेंट्रेशन की जो मोलर uh, कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यूज हैं वो इतनी होंगी 10 रेज टू पावर माइनस सिक्स से 10 रेज टू पावर जीरो रेंज होती है ठीक है ये रेंज होती है आप इसका स्क्रीनशॉट लो इसका स्क्रीनशॉट लो ठीक है चलो अब यहां देखो अगर मैंने बोला अगर मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक एसिडिक सोल्यूशन है जिसमें एच पॉजिटिव का आयसेंट्रेशन कितना है टेन रेस टू पावर माइनस सिक्स है माइनस सिक्स है तो उस सोल्यूशन की पी एच वैल्यू क्या आ जाएगी तो पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू 10 ऑफ एच पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन सीधी सी बात ना एसिडिक सोल्यूशन होने के लिए ये कंडीशन है कि उस सोल्यूशन में पॉजिटिव के मोलार की जो वैल्यू है वो कितने से कितने हो सकती है टू टू पावर पावर से 10 0 तक हो सकती है ये रेंज है एच पॉजिटिव के आयसेंट्रेशन की कहा एसिडिक सोल्यूशन में मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक, एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें कि एच पॉजिटिव आयन्स का कितना है टेन रेस टू पावर माइनस सिक्स मोल पर लीटर है तो उस सोल्यूशन का पीएच कितना आ जाएगा इसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगी टेन एज टू पावर माइनस सिक्स माइनस सिक्स रख दूंगी अब क्या होगा पावर जो है उठ करके चली आएगी सामने ये और लॉक टेन की वैल्यू कितनी होती है One होती है तो ये माइनस माइनस प्लस हो इन टू वन सिक्स तो सोल्यूशन की पी एच वैल्यू कितनी आ गई सिक्स आ गई सोल्यूशन की एसिडिक सोल्यूशन की पीएच वैल्यू कितनी आ गई छ आ गई ठीक है फिर तुमसे मैंने बोला कि बेटा मेरे पास एक ऐसा एसिडिक सोल्यूशन है जिसमें कि एच पॉजिटिव आयंस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा है कितना है टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स है तो इस केस में सोल्यूशन की पी एच वैल्यू कितनी आ जाएगी पी एच वैल्यू आ जाएगी फाइव कैसे कुछ नहीं ना एच पॉजिटिव की जगह पे क्या रख देना है आपको कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू रख देनी है टेन रेस टू पावर माइनस फाइव रख देना ठीक है 10 रे टू पावर -5 रख देना तो ये अरे अरे 10 रे टू पावर -5 रख देना तो ये जो minus -5 है ये पूरा का पूरा सामने उठ कर के आ जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू होती है 1 ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो plus +5 into 1 कितना हो जाएगा 5 तो पीएच वैल्यू आ जाएगी 5

तो मैंने बोला कि अब मेरे पास टेन टू पावर माइनस थ्री मोल्स पर लीटर वाला एसिडिक सोल्यूशन है तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी आ जाएगी पीएच वैल्यू आ जाएगी थ्री मैंने बोला कि मेरे पास और भी ज्यादा एसिडिक सोल्यूशन है उसमें एच पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा है कितना ज्यादा है टेन टू पावर माइनस टू मोल्स पर लीटर तो उस सोल्यूशन की पीएच वैल्यू कितनी आ जाएगी टू आ जाएगी मैंने बोला कि बेटा और भी ज्यादा एसिडिक सोल्यूशन है मेरे पास

इस सोल्यूशन की फाइव पी वैल्यू इस सोल्यूशन की सिक्स पी वैल्यू हमने पहले ही बोल दिया क्या बोल दिया कि यदि आपके पास एक एसिडिक सोल्यूशन है तो उस सोल्यूशन में एसिडिक सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू है उसकी रेंज क्या होती है टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स से लेकर के टेन रेज टू पावर जीरो तक ये रेंज होती है इस रेंज के बाहर अगर गया सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस का मोलार कॉन्सेंट्रेशन तो समझ जाना कि जो सोल्यूशन है ना अब वो एसिडिक नहीं रहा या तो वो बन जाएगा न्यूट्रल या वो बन जाएगा बेसिक अगर एसिडिक सल्यूशन है तो उसमें एच पॉजिटिव आयंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू इस रेंज में ही आनी चाहिए टेन रेस्ट टू पावर माइनस सिक्स से टेन रेस्ट टू पावर जीरो होना चाहिए इस रेंज के बाहर अगर गई एच पॉजिटिव आयंस के मोलार uh, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू तो समझ जाना वो जो सोल्यूशन है ना वो एसिडिक नहीं रहेगा वो कुछ और ही बन जाएगा तो जाहिर सी बात है अगर H पॉजिटिव आयंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू की रेंज ये है एसिडिक सोल्यूशन के लिए तो फिर उस एसिडिक सल्यूशन के लिए pH वैल्यू की रेंज कितनी हो जाएगी सिक्स से, से लेकर के जीरो अगर एसिडिक सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आइंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू की रेंज ये है तो फिर उस एसिडिक सोल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू की रेंज कितनी हो जाएगी सिक्स टू जीरो सिक्स टू जीरो आई बात समझ में सिक्स टू जीरो हो जाएगी एसिडिक सोल्यूशन की पीएच वैल्यू की रेंज जल्दी से इसका जो स्क्रीनशॉट uh, है वो लो इसका जो स्क्रीन है वो लो ठीक है अब आपको पता है कि जितनी यू नो नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है एक्चुअली वो उतना ही बड़ा नंबर होता है मैंने बोला कि बेटा मेरे पास एक ऐसा एसिडिक सोल्यूशन है जिसमें कि एच पॉजिटिव आयंस के आयसेंट्रेशन की वैल्यू टेन एस टू पावर माइनस टू मोल्स पर लीटर है तो उसका पीएच वैल्यू कितना आ जाएगा सोल्यूशन का टू आ जाएगा मैंने बोला कि बेटा मेरे मेरे पास ना एक और एसिडिक सोल्यूशन है जिसमें कि H positive ions के मोलार की वैल्यू कितनी है? है इतनी है. 10 raise to power minus 6. तो उस होगा भाई पीएच निकालना हमें आ गया है ना हमें पता है कि किसी भी एसिडिक सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू की रेंज कितनी होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए पीएच वैल्यू की रेंज कितनी होनी चाहिए सिक्स से जीरो होनी चाहिए इसका मतलब यह है कि जितना एसिड उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम ठीक है तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच वैल्यू उतनी ही कम यहां पे लिख लो एक बबल बना करके यहां पे लिखो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतनी पीएच वैल्यू कम उतनी पीएच वैल्यू कम ठीक है चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके समराइज करके यहां पे मैंने पूरा लिख दिया है आपके लिए ठीक है इसको थोड़ा सा साइड में खिसका लेना चलो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं इसी तरीके से बेसिक सोल्यूशन की भाई सीधी सी बात है अगर आपके पास एक बेसिक सोल्यूशन है तो डेफिनेटली उसमें ओ एच नेगेटिव आयन्स के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू है वो एच पॉजिटिव आयंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए भाई अगर आपके पास एक बेसिक सल्यूशन है तो जाहिर सी बात है उस सोल्यूशन में ओ एच नेगेटिव आयंस ज़्यादा होने चाहिए एच पॉजिटिव आयंस से मतलब कि ओ एच नेगेटिव आयंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू है वो एच पॉजिटिव आयंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए तभी क्या होगा आपका बेसिक सल्यूशन होगा ठीक है क्या होगा आपका सल्यूशन आप बोल सकते हो कि बेसिक होगा बेसिक होगा इतना सबको समझ में आया अब देखो वैसा है सीधी सी बात है हमें पता है कि पानी या किसी भी न्यूट्रल सोल्यूशन में एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयन्स के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बराबर बराबर होती है कितनी होती है टेन रेज टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर ये सबको पता है और हमें ये भी पता है कि किसी भी सोल्यूशन के लिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी होती है टेन रेस टू पावर माइनस फोर्टीन मोल्स पर लीटर तो आपके पास चाहे बेसिक सोल्यूशन क्यों ना हो भाई बेसिक सोल्यूशन है तो डेफिनेटली उसमें ओव एच नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए एच पॉजिटिव आयंस के कॉन्सेंट्रेशन से एट द सेम टाइम उस बेसिक सोल्यूशन में उस बेसिक सोल्यूशन में इन दोनों के ही कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों के ही मोलार कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए टेन रेज टू पावर माइनस फोर्टीन मोल्स पर लीटर आना चाहिए तो ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल जो है ना अपने दिमाग में एफ डी करवा लेनी है एफ डी करवा लेनी है अपने दिमाग में कि अगर बेसिक सोल्यूशन है तो ओवच नेगेटिव माइंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा एच पॉजिटिव माइंस के कॉन्सेंट्रेशन से उसके अलावा सोल्यूशन चाहे कोई भी हो इन दोनों के ही मोलार कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए सोल्यूशन में इतनी आनी चाहिए आई बात समझ में अब यहां देखो अब यहां देखो मैंने बोला कि मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें कि एच पॉजिटिव आयंस का जो मोलार कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है टेन रेस टू पावर माइनस टेन है मोल्स पर लीटर बात समझ में मैंने बोला कि बच्चों मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें कि एच पॉजिटिव आयन्स के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है 10 रेस टू पावर माइनस टेन मोल्स पर लीटर तो जाहिर सी बात है नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10 रे टू पावर -4 मोल्स पर लीटर हमें कैसे पता चला अरे जब भाई कह चुके हैं ना जब हमने अपने दिमाग में एफडी करवा ली है कि चाहे जो भी सॉल्यूशन हो इन दोनों के ही मोलार कंसंट्रेशंस का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू इतनी ही आनी चाहिए तो अगर सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन 10 रे टू पावर -10 है तो OH नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा भाई चौदह में से दस माइनस कर दो कितना आ जाएगा चार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा तो माइनस फोर टेन रेस टू पावर माइनस फोर मोल्स पर लीटर क्या हो जाएगा सोल्यूशन में नेगेटिव OH आयंस का मोलर हो जाएगा अब आप ही मुझे बताओ कि इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है ये या ये छोटे नेगेटिव में छोटा नंबर ही क्या होता है बड़ा नंबर होता है तो डेफिनेटली टेन रेस टू पावर माइनस फोर क्या है बड़ा नंबर है बड़ा नंबर मतलब क्या अरे भाई मैंने आपको पहले ही बताया ना

तुम लोगों को मैंने रिवाइज करवाया ना पीएच निकालना सिखाया अब तुम लोग मुझे बताओ कि इस सोल्यूशन का पीएच कितना आएगा इस सोल्यूशन का पीएच कितना आएगा जल्दी बताओ तो चार आएगा दस आएगा कितना आएगा बेटा पीएच का फॉर्मूला क्या होता है पीएच में हम सोल्यूशन में जो एच पॉजिटिव आयन्स होते हैं ना उन एच पॉजिटिव आय की मोलार कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं पीएच में तो ओ एच तुम लोग ओवच नेगेटिव आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को क्यों रख रहे हो पीएच के फॉर्मूले में जिन भी बच्चों का जो जवाब है वो चार आ रहा है वो चार इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो पता है क्या कर रहे हैं पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू देश ऑफ ओव नेगेटिव आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं ओएच OH नहीं है भाई तुम तो पीएच का फॉर्मूला ही बदल दोगे तुम तो पी एच का फॉर्मूला ही बदल दोगे फॉर्मूला नहीं बदलना है फॉर्मूला नहीं बदलना है बच्चों समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो फॉर्मूला नहीं बदलना है अरे कहा गया फॉर्मूला नहीं बदलना है आई बात समझ में जो मैंने लिखा है चलो वही देख लो फॉर्मूला नहीं बदलना है जो फॉर्मूला है वो वही का वही रहेगा पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस देशन ऑफ एच पॉजिटिव आय कॉन्सेंट्रेशन अगर तुम्हारा सोल्यूशन बेसिक है तो तुम क्या करोगे पीएच जो है यहां पर उसके फॉर्मूले में नेगेटिव OH का मोलर कॉन्सेंट्रेशन रख दोगे क्या नहीं फॉर्मूला चेंज मत करो यही रहेगा पीएच का फॉर्मूला तो क्या हो गया सोल्यूशन में अगर तुम्हारा सोल्यूशन कैसा है बेसिक है तो अरे चाहे जो भी सोल्यूशन हो एच पॉजिटिव आयंस एंड ओवे नेगेटिव आयंस दोनों ही रहते हैं ना सोल्यूशन में तो अगर तुम्हारा सोल्यूशन बेसिक है तो क्या हुआ है तो उसमें भी ना एच पॉजिटिव आयंस तो उनके मोलार कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू रखो पीएच निकालने के लिए कितनी आ जाएगी पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द दिनेटिव टेन टू पावर माइनस टेन पूरी की पूरी पावर सामने आ जाएगी माइनस ब्रैकेट में लॉग टू द बेस जिसकी वैल्यू कितनी होती है वन ब्रैकेट को लेगा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस तो प्लस टेन इंटू वन पीएच वैल्यू कितनी आ जाएगी टेन आ जाएगी कितनी आ गई पीएच वैल्यू टेन आ गई आ गई टेन टेन पी का मतलब क्या है सोल्यूशन आपका बेसिक है जिस तरीके से यहां पर हमने देखा कि कोई सोल्यूशन को अगर एसिडिक होना है तो उसके लिए एच पॉजिटिव आय के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू की जो रेंज है वो कितनी होनी चाहिए 10 रेस टू पावर माइनस सिक्स से लेकर के 10 रेस टू पावर जीरो होनी चाहिए वैसे ही जब हम बात करते हैं किसकी एक बेसिक सोल्यूशन की तो बेटा बेसिक सोल्यूशन अगर किसी सोल्यूशन को बेसिक होना है नेचर में तो उसके लिए, उसके लिए लिए एक कंडीशन होती है क्या कंडीशन होती है कि उसमें ओ एच नेगेटिव आयंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू की जो रेंज है वो कितनी होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए तो सीधी सी बात है यहां देखो जब ओ एच नेगेटिव आय के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी थी या एक काम करो तुम तो इसको ना एच पॉजिटिव आय के एच पॉजिटिव आयंस के कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में समझ लो तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा कि अगर किसी सोल्यूशन को बेसिक होना है तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि उस बेसिक सोल्यूशन में एच पॉजिटिवेशन की वैल्यू की रेंज कितनी होनी चाहिए तो रेंज होनी चाहिए टेन रेस टू पावर माइनस एट से टेन रेस टू पावर माइनस फोर्टीन तक मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई अगर सोल्यूशन कैसा है एसिडिक है तो उसमें

या उससे भी कम हो 10 रे टू पावर -10 या उससे भी कम हो 10 रे टू पावर -11 या उससे भी कम हो 10 रे टू पावर -12 या उससे भी कम हो उससे भी कम हो 10 रे टू पावर -13 या उससे भी कम हो 10 रे टू पावर -14 तो ऐसे याद कर लो ज्यादा आसान रहेगा कि हमने दोनों में क्या करा है एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस के मोलार मोलार्ट्रेशन की वैल्यू की रेंज देख ली है कि यदि कैसा होगा अगर सोल्यूशन को बेसिक होना है तो उसके लिए H पॉजिटिव मोलार कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू की रेंज कितनी होनी चाहिए सोल्यूशन में टेन रेस टू पावर माइनस एट से लेकर माइनस फोर्टीन तक ठीक है अब आप ही मुझे बताओ अगर सोल्यूशन में पॉजिटिव तो कितनी आ जाएगी पीएच वैल्यू नाइन आ जाएगी अगर कॉन्सेंट्रेशन तो इतना है तो पीएच वैल्यू टेन आ जाएगी जैसे कि हमने यहां पर निकाला पर क्या था सोल्यूशन में एच पॉजिटिव मोलर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू

वो कितनी से कितनी होनी चाहिए आठ से चौदह होनी चाहिए भाई देखो सात क्या होता है सात तो न्यूट्रल पीएच होता है मतलब कि न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच होता है सेवन क्या होता है न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच होता है अगर पीएच सात से कम हुआ सात से यदि पीएच कम हुआ सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो तो ये कौन से टाइप के सल्यूशन की पीएच वैल्यू की रेंज आ जाएगी एसिडिक सोल्यूशन की और अगर पीएच सात से बढ़ गया आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तो ये किस टाइप के सोल्यूशन की पीएच वैल्यू की रेंज आ जाएगी बेसिक टाइप के सोल्यूशन की रेंज आ जाएगी अब आई बात समझ में अब आई बात समझ में इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीन ले लो तो ये बहुत जरूरी चीज मैंने आपको बताई है कि बेसिक सोल्यूशन है तो डेफिनेटली ओ एच नेगेटिव आयन्स ज़्यादा होने चाहिए एच पॉजिटिव आयन्स के कंपैरिजन में लेकिन जो दोनों ही आयंस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू इतनी ही आनी चाहिए यदि सल्यूशन को क्या होना है बेसिक होना है तो इसके लिए उस सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू की जो रेंज है वो कितनी होनी चाहिए इतनी से लेकर के इतनी मतलब कि 10 रे टू पावर -8 से 10 रे टू पावर -14 मोल्स पर लीटर होनी चाहिए रेंज और पीएच वैल्यू की रेंज क्या होनी चाहिए आठ से लेकर के 14 आठ से लेकर के 14 इसमें उल्टा होता है कि जितना ज्यादा पीएच उतना स्ट्रांग बेस भाई देखो ना नेगेटिव में जो छोटी वैल्यू होती है वही क्या होती है एक्चुअली में बड़ी वैल्यू होती है तो टेन रेज टू पावर माइनस एट और टेन रेज टू पावर माइनस ट्वेल्व इनमें बड़ी वैल्यू कौन सी होगी डेफिनेटली ये डेफिनेटली ये है ना यानी कि हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जो बेसिक सोल्यूशन है उसमें एच पॉजिटिव आयंस कम तो हैं ओ एच नेगेटिव आयंस के कंपेरिजन में लेकिन ज्यादा कम नहीं है बात समझ रहे हो ट और माइनस ट्वेल्व में छोटा नंबर कौन सा माइनस एट तो वही क्या है एक्चुअली में बड़ा नंबर है तो मैंने बोला कि मेरे पास एक ऐसा बेसिक सोल्यूशन है मेरे पास एक ऐसा बेसिक सोल्यूशन है कि H positive, H positive का कितना है टेन रेस टू पावर माइनस माइनस एट मोल्स पर लीटर तो ओ एच नेगेटिव आय का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा टेन रेस टू पावर माइनस सिक्स Moles per liter. है ना? इतना हो जाएगा डेफिनेटली बेसिक सोल्यूशन है तो उसमें ओ एच नेगेटिव आयन्स ज्यादा है एच पॉजिटिव है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस भी तो नहीं ना दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में माना कि सोल्यूशन बेसिक है तो इसमें ओ एच नेगेटिव आयन ज्यादा है एच पॉजिटिव आयन से लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं ना दोनों में इसका मतलब सोल्यूशन बेसिक तो है लेकिन वो थोड़ा लेस बेसिक है क्या मतलब है वो लेस बेसिक है तो जितना ज्यादा पीएच होगा सल्यूशन उतना ज्यादा बेसिक होगा यहां पर एक बबल बनाकर के लिख लो एक बबल बनाकर के लिख लो जितना ज्यादा पीएच उतना स्ट्रोंग बेस उतना स्ट्रोंग बेस ठीक है तो बेटा जी ये हो गई कहानी पीएच की ये कहानी हो गई आपके पीएच की कि सोरेंसन ने क्या करा था सोरेंसन ने आ, किसी भी सोल्यूशन में जो एच पॉजिटिव आयंस का मोलार कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको पीएच के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करी थी तो पीएच का फॉर्मूला हमारे पास क्या बना पीएच का फॉर्मूला हमारे पास बना हमारे पास बना माइनस बेस 10 ऑफ H पॉजिटिव आयन्स कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन चाहे नेचर में एसिडिक हो बेसिक हो और न्यूट्रल हो कोई भी नेचर क्यों ना हो सोल्यूशन का उसमें एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयन्स दोनों ही होते हैं सबसे पहले हमने पी एच निकालने की कोशिश करी एक न्यूट्रल सोल्यूशन की तो कितना पी एच आया न्यूट्रल सोलूशन का सेवन कितना आया सेवन आया कैसे आया अरे भाई न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या होता है एच पॉजिटिव एंड आयंस के मोलार एंडारेशन की वैल्यूज बराबर होती ना कितनी होती है टू पावर मोल्स पर लीटर तो बस हमने यही रख दिया कहा पी के फॉर्मुले में तो पी वैल्यू कितनी आ गई न्यूट्रल सोलूशन के लिए सात फिर हमने क्या करा हमने बोला कि चलो यार हम काम करते हैं एसिडिक सोलूशन के ऊपर कि अगर सोल्यूशन को एसिडिक होना है तो इसके लिए उसमें एच पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना पड़ेगा ओवर नेगेटिव आयंस के कॉन्सेंट्रेशन से भी तभी तो सोल्यूशन अपना एसिडिक कहलाएगा ना जब उसमें एच पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे ओवर नेगेटिव आयंस के कॉन्सेंट्रेशन से है ना लेकिन हाँ इन दोनों के ही मोलर कॉन्सेंट्रेशन की जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए 10 डिस्ट टू पावर माइनस फोर्टीन पर लीटर ही आनी चाहिए फिर हमने एक कंक्लूजन निकाला क्या, क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई अगर किसी एसिडिक अगर किसी सोल्यूशन को एसिडिक होना है तो इसके लिए उस सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू की जो रेंज है वो कितनी होनी चाहिए टू पावर से लेकर के टू पावर जीरो तक अगर किसी भी सोल्यूशन को एसिडिक होना है तो इसके लिए उसमें एच पॉजिटिव आयंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू की रेंज कितनी होनी चाहिए टेन एस टू पावर माइनस सिक्स से टेन रेस्ट टू पावर जीरो मोल्स पर लीटर होनी चाहिए तो पीएच वैल्यू की रेंज कितनी हो जाएगी फॉर एसिडिक सोल्यूशन सिक्स टू जीरो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतनी पीएच वैल्यू कम फिर हम बात करते हैं किसकी बेसिक सोल्यूशन की बेसिक सोल्यूशन में क्या होता है ओएच नेगेटिव आयन ज्यादा होते हैं एच पॉजिटिव आयन से लेकिन आयोनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो तो अभी भी इतनी ही रहती है बेसिक सोल्यूशन में भी टेन रेस टू पावर माइनस टेन पावर टेन रेस टू पावर माइनस मोल्स पर लीटर तो यहां पर हमने कंक्लूजन निकाला क्या कि यदि किसी सोल्यूशन को बेसिक होना है तो इसके लिए उस सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू की रेंज है वो कितनी होनी चाहिए टेन रेस टू पावर माइनस एट से टेन रेस टू पावर माइनस फोर्टीन ठीक है ना अगर किसी भी सोल्यूशन को बेसिक होना है तो इसके लिए उसमें एच पॉजिटिव आयंस के कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू की रेंज है वो कितनी होनी चाहिए टेन रेस टू पावर माइनस एट से टेन रेज टू पावर माइनस फोर्टीन तो पी एच वैल्यू की रेंज कितनी हो जाएगी एट टू 14 जितना ज्यादा पीएच होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा जितना ज्यादा पीएच उतना स्ट्रोंग बेस इतना सबको समझ में आया ठीक है चलो अब जो है हम बात कर लेते हैं किसकी देखो पीएच का जो टॉपिक है वो यही होता है खत्म पीएच का जो टॉपिक है वो यही होता है खत्म अब एक काम करते हैं हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की वॉट डू यू मीन यूनिवर्सल इंडिकेटर कुछ नहीं बेटा ये ना कई सारे इंडिकेटर्स को मिला जुला करके बनाया जाता है कौन यूनिवर्सल इंडिकेटर की? एक इंडिकेटर से हमारा दिल नहीं मानता एक इंडिकेटर को इस्तेमाल करके हमारा दिल नहीं मानता तो हम क्या करते हैं कई सारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स को मिला देते हैं और मिला करके क्या बन जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर बन जाता है इसकी खास बात क्या होती है कि ये अलग पी पर अलग कलर इम्पार्ट करता है कि अगर आपके पास चार सल्यूशन है चारों सल्यूशन का पीएच अलग अलग है तो ये चारों सल्यूशन के साथ अलग, अलग 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 कलर देगा तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कुछ नहीं ये मिक्सर होता है कई सारे इंडिकेटर्स का जो डिफरेंट कलर्स के लिए ये जो डिफरेंट पी एच वैल्यूज के लिए जो डिफरेंट पीएच वैल्यूज के लिए डिफरेंट कलर इम्पार्ट करता है कि अगर आपके पास पांच छह सोल्यूशन है और उन सभी का पीएच अलग अलग है तो हर एक सल्यूशन के यू नो पर्टिकुलर पी एच के लिए ये एक कलर देगा ठीक है तो बेसिकली हम क्या करते हैं हम बनाते हैं पीएच पेपर हम बनाते हैं पीएच पेपर कैसे बनाएंगे कुछ नहीं फिल्टर पेपर लेते हैं और उसमें हम डाल देते हैं क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर फिल्टर पेपर ले लो या एक पेपर की स्ट्रिप ले लो पेपर स्ट्रिप या फिल्टर पेपर स्ट्रिप ले लो और उसमें आप अच्छे से यू you नो know, डाल दो क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर तो वो क्या बन जाएगी स्ट्रिप पीएच पेपर बन जाएगी तो आप एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लो या पेपर स्ट्रिप लो उसको आप इम्प्रेगनेट करो मतलब उसमें अच्छे से यू you नो know, उसको आप अच्छे से डिप विप कर दो कहाँ यूनिवर्सल इंडिकेटर में सूखने के बाद क्या होगा वो स्ट्रिप बन जाएगी पीएच पेपर पीएच पेपर ठीक है अब क्या करना चाहते हो आप पीएच पेपर का इस्तेमाल करके किसी सोल्यूशन का पीएच पता करना चाहते हो किसी सोल्यूशन का आप पीएच पता कर पीएच पेपर है तो वो क्या करेगा सोल्यूशन का पीएच ही तो बताएगा ना तो आपके पास एक सोल्यूशन है उस सोल्यूशन को आ, उस सोल्यूशन में आप डिप कर दो अपना वो पी एच पेपर जैसे ही सोल्यूशन में पी एच पेपर डिप होगा पी एच पेपर का जो कलर है वो बदल जाएगा क्यों बदलेगा अरे भाई पी एच पेपर हमने कैसे बनाया है पेपर स्ट्रिप के ऊपर यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला ना ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है अलग अलग पी एच वैल्यूज के लिए अलग अलग कलर इम्पार्ट करता है ना तो जैसे ही आप पी एच पेपर को अपने गिवन सल्यूशन में डिप करोगे तो पीएच पेपर में क्योंकि uh, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है तो पीएच पेपर क्या करेगा अपना रंग बदल लेगा पीएच पेपर अपना रंग बदल लेगा रंग तो बदल लिया अब क्या करेंगे तो बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ ना ये एक स्टैंडर्ड uh, टेबल आती है या एक स्टैंडर्ड चार्ट आता है स्टैंडर्ड चार्ट आता है ये चार्ट हमको बताता है कि जो अपना यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो कौन से पी के लिए कौन सा कलर देता है ये जब भी आप यूनिवर्सल इंडिकेटर खरीदने जाओगे तो उसके साथ आपको ये स्टैंडर्ड चार्ट दिया जाएगा कि आप जो यूनिवर्सल इंडिकेटर लेकर के जा रहे हो वो अलग अलग मतलब कौन से पीएच वैल्यू के लिए कौन सा कलर देता है जैसे कि वन पीएच के लिए रेड कलर देता है टू पीएच के लिए पिंक थ्री पीएच के लिए ऑरेंज फोर फोर पीएच के लिए बीच कलर देता है ये पांच पीएच के लिए येलो कलर देता है ये सिक्स पी के लिए लाइम ग्रीन कलर देगा सेवन पीएच के लिए ग्रीन कलर देगा है ना तो आप देख सकते हो कि आ, अलग अलग पीएच वैल्यू के लिए जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो अलग अलग कलर देता है तो आपने क्या करा था सोल्यूशन में पीएच पेपर डुबोया था जैसे डिप किया बाहर निकाला पीएच पेपर का रंग बदल गया अब आपको पता करना है कि जो आपके पास सॉल्यूशन है उसका पीएच कितना है भाई आपने पीएच पेपर सॉल्यूशन में डाला ही क्यों था सॉल्यूशन का पीएच पता करने के लिए ना तो जैसे ही पीएच पेपर का रंग बदला अब आप उस रंग को उस कलर को जो गिवन स्टैंडर्ड चार्ट होता है ना उसके साथ मैच करवाओ भाई पीएच पेपर का जो भी कलर आया है जो भी उसका कलर चेंज हुआ है उस कलर को आपस स्टैंडर्ड चार्ट के साथ मैच करवाओ आपने देखा कि यार पीएच पेपर का जो कलर है जो मतलब जो पी एच पेपर का जो कलर चेंज हुआ है वो ये वाले कलर के साथ मैच कर रहा है ये वाले कलर के साथ मैच कर रहा है और ये वाला कलर यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन से पी एच वैल्यू के लिए देता है तो सिक्स पी एच वैल्यू के लिए देता है तो आपको पता चल गया कि भाई आपके पास जो सोल्यूशन था उसका पी एच वैल्यू कितनी है सिक्स है मतलब जो आपका सोल्यूशन है वो क्या है स्लाइटली एसिडिक है सिक्स पी मतलब क्या भाई सिक्स टू जीरो पी वैल्यू की रेंज किस तरह के सोल्यूशन के लिए होती है एसिडिक सोल्यूशन जितना कम पी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच कितना है आपका सोल्यूशन का छ मतलब आपका सोल्यूशन है तो एसिडिक लेकिन वो एक वीक एसिडिक सोल्यूशन है मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि पीएच वैल्यू सेवन से तो कम है लेकिन ज्यादा कम नहीं है इसलिए तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सर होता है जो डिफरेंट पी वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट कलर्स इम्पार्ट करता है हम एक पेपर की स्ट्रिप लेते हैं उसको हम अच्छे से कोट कर देते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ और सुखाने के बाद वो क्या बन जाता है पेपर स्ट्रिप पीएच पेपर बन जाता है हमारे पास जो भी सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में हम उस पीएच पेपर को डिप करते हैं जैसे डिप करते हैं बाहर निकालते हैं पीएच पेपर का जो रंग है वो बदल जाता है हमारे पास एक स्टैंडर्ड चार्ट होता है जो हमें बताता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन से पी वैल्यू के साथ में कौन सा कलर देता है तो पी पेपर में जो भी रंग में बदलाव आया है मतलब पी पेपर में कलर तो चेंज होगा तो चेंज होने के बाद जो कलर आया है चेंज होने के बाद पी पेपर में जो कलर आया है उस कलर को हम मैच करवाते हैं इस स्टैंडर्ड चार्ट के साथ हमने देखा कि यार किसी दूसरे सल्यूशन में जब हमने पी पेपर को डिप किया तो पी पेपर का कलर चेंज हुआ और चेंज होकर हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया। उस कलर कलर को हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड चार्ट के साथ पीएच पेपर में जो कलर आया है उस कलर को हम स्टैंडर्ड चार्ट के साथ मैच करवाते हैं मैच करवा करके हमको पता चला कि भाई जो कलर है ना वो ये वाला आया है पीएच पेपर में यानी कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो ये वाला कलर पेल ब्लू कलर किस पीएच वैल्यू के लिए देता है तो टेन पीएच वैल्यू के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर पेल ब्लू कलर इमार्ट करता है यह कलर देता है मतलब कि आपके पास जो दूसरा सोल्यूशन है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है टेन है कितनी है टेन है मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो कैसा है नेचर में बेसिक है मॉडरेटली बेसिक है क्यों बेसिस में क्या होता है जितना ज्यादा पीएच उतना स्ट्रांग बेस अगर आपका जो पीएच uh, वैल्यू है वो थर्टीन या फोर्टीन आया होता तो मैं बोलती कि आपके पास स्ट्रांग बेसिक सोल्यूशन है अगर आपके पास सेवन या एट पीएच वैल्यू वाला बेस आता तो मैं बोलती कि आपके पास वीक बेस है बेस तो है लेकिन वीक बेस है आपके पास टेन पीएच वैल्यू वाला बेस है इसका मतलब ना वो स्ट्रॉन्ग बेस है ना वो वीक बेस है वो मॉडरेटली बेसिक सल्यूशन है कलर याद नहीं करना होता कलर याद नहीं करना होता स्टैंडर्ड चार्ट हमेशा दिया जाता है कलर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है चलो तो यहाँ पर जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर की जो आ, बात है वो भी हमने कर ली है ये वही चार्ट है जो मैंने आपको समराइज करके बताया है है ना कि एसिडिक सोल्यूशन हो या बेसिक सोल्यूशन हो उसमें एच पॉजिटिव आयंस के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू की रेंज कितनी होनी चाहिए पी वैल्यू की रेंज कितनी होनी चाहिए ये वही सारी बातें यहाँ पर की गई हैं ठीक है तो अब एक काम करते हैं हम लेते हैं बिल्कुल दो मिनट का ब्रेक और ब्रेक के बाद आकर के ब्रेक के बाद आकर के हम जो हैं डिस्कस करेंगे कि रोज़मर्रा की जिंदगी में पीएच का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में बिल्कुल लेते हैं दो मिनट का ब्रेक उसके बाद में आकर के देखते हैं रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ चलो भाई वापस से आओ वापस से आओ सेशन को जो है अपन रिज्यूम करते हैं सेशन को रिज्यूम करते हैं और आज के इस सेशन का जो आखिरी टॉपिक है वो भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और वो टॉपिक है रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पीएच का क्या रोल होता है आ जाओ देख लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स में हमारी लाइफ में पीएच का क्या रोल होता है इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आर बॉडी आर इन द नैरो पीएच रेंज ऑफ 7.0 पॉइंट जीरो टू सेवन पॉइंट एट ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में उनकी बॉडीज में अधिकतर जो रिएक्शंस uh, हो रही होती हैं वो एक नैरो नो पीएच रेंज में होती हैं दैट इज़ सेवन पॉइंट जीरो टू सेवन पॉइंट एट हमारे बॉडी में अधिकतर तो जो रिएक्शंस चल रही होती हैं बच्चों उन रिएक्शंस को होने के लिए चलने के लिए एक यू नो पी वैल्यू की एक रेंज चाहिए होती है पी की एक रेंज चाहिए होती है और वो रेंज बहुत बड़ी नहीं होती कि तुम बोलो कि हमारी बॉडी में जो रिएक्शन होती है ना वो वन uh, पॉइंट से लेकर के ट्वेल्व पॉइंट टू की रेंज के बीच में होती हैं नहीं इतनी बड़ी रेंज नहीं होती है पीएच की हमारी बॉडी में जो अधिकतर रिएक्शंस चल रही होती हैं उन रिएक्शंस को होने के लिए चलने के लिए पीएच की एक छोटी सी रेंज चाहिए होती है और वो रेंज क्या होती है छोटी सी सेवन से लेकर के सेवन पॉइंट एट फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स का जो ब्लड है जो आंसू होते हैं हमारे सलाइवा सलाइवा तो खैर आप बोल सकते हो कि सिक्स होता है है ना तो इस पीएच वैल्यू कितनी होती है सेवन पॉइंट फोर इफ़ पी एच फॉल्स बिलो सेवन या ऊपर जाता है सेवन पॉइंट एट के तो सर्वाइवल जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि डिफ़िकल्ट हो जाता है ठीक है तो सीधी सी बात है कि हम में और बाकी एनिमल्स में अधिकतर जो रिएक्शंस चल रही होती हैं उनको चलने के लिए ना पीएच की एक छोटी सी रेंज चाहिए होती है मतलब जो अधिकतर रिएक्शन होती हैं हमारी बॉडी में वो एक पी की छोटी सी रेंज में हो जाती है सेवन टू सेवन पॉइंट एट ठीक है सेवन टू सेवन पॉइंट एट हमारा जो खुद का ब्लड है जो हमारा खून होता है उसका खुद का पीएच क्या होता है सेवन पॉइंट फोर के आसपास, 7.4 सेवन पॉइंट फोर के आसपास अगर सेवन से पीएच ज़्यादा कम हो गया या सेवन पॉइंट एट से ज़्यादा पी हो गया हमारी बॉडी में एनिमल्स की बॉडी में यदि पी एच से नीचे गिर गया या सेवन से ज़्यादा हो गया तो फिर सर्वाइवल में दिक्कत हो जाएगी इंसान को जो है दिक्कत होगी सरवाइव करने में ये देखो ब्लड के पीएच लेवल्स यहां पर आपको बताए जा रहे हैं नॉर्मली क्या होता है सेवन पॉइंट थ्री फाइव से लेकर के सेवन पॉइंट फोर फाइव आप मान लो कि हाँ हमारे बॉडी में ब्लड का जो पीएच है वो सेवन पॉइंट फोर होना चाहिए सेवन पॉइंट फोर होना चाहिए अगर सेवन भी हो जाता है तो ये एसिड ऑसिस की सिचुएशन हो जाती है और अगर पी एच सिक्स के पास पहुंच जाता है तो बेटा डेथ ही हो जाती है इंसान की अगर सेवन पॉइंट फोर से ज़्यादा हो गया सेवन पॉइंट एट तक चला गया अल्कलोसिस और अगर उससे भी ज़्यादा चला गया पी एच नौ तक चला गया तो फिर सीधे डेथ तो ब्लड के पी एच की वैल्यू कितनी होती है सेवन पॉइंट फोर अगर उससे कम हो गया छः हो गया पीएच, तो इंसान मर जाएगा अगर उससे ज्यादा हो गया ब्लड का पीएच, एच हो गया तो इंसान मर जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं एसिड रेन्स के बारे में आपने सुना होगा देखो होता क्या है कि हम इंसान ना इतना पॉल्यूशन मचाते हैं इतना पल्यूशन मचाते हैं कि ऑटोमोबाइल्स से एग्जॉस्ट निकलता है इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट निकलता है उन एग्जॉस्ट में होता क्या है हार्मफुल गैसेस होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है नाइट्रिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तो हम जो इंसान काम करते हैं ना जो तरह तरह के एग्जॉस्ट निकालते हैं एयर में निकालते हैं उन एग्जॉस्ट में हार्मफुल गैसेस होती हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या होता है बारिश का मौसम आया जैसे ही बादलों से देखो जैसे ही बादलों से पानी नीचे आया नीचे कहां आया हमारी एटमॉस्फेरिक एयर में आया है ना भाई जैसे ही बादलों से पानी नीचे आया नीचे कहाँ एयर में आया एयर में प्रेजेंट ये जो हार्मफुल गैसेस होती हैं ये जाकर के पानी में घुल जाती हैं ये जाकर के पानी में घुल जाती हैं और घुलने के बाद क्या करती हैं हार्मफुल एसिड्स बना लेती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर में जाकर के घुलेगी तो क्या बना देगी कार्बोनिक एसिड बना देगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यदि पानी में जाकर के घुली रेन वाटर में तो क्या बना लेगी नाइट्रिक एसिड बना लेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस यदि बारिश के पानी में जाकर के घुली तो क्या बना लेगी सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगी तो हम इंसान जो पोल्यूशन कॉज करते हैं उस पोल्यूशन से हमारी सराउंडिंग एयर में ये सारी हार्मफुल गैसेज आ जाती हैं और जब बारिश का पानी नीचे आता है तो एयर में प्रेजेंट ये जो हार्मफुल गैसेज होती हैं ये जाकर के बारिश के पानी में घुल जाती हैं और ये हार्मफुल एसिड बना लेती हैं यानी कि अब जो बारिश का पानी है उसमें ये सारे एसिड्स प्रेजेंट हैं अब जो बारिश का पानी आएगा ना हम तक उस बारिश के पानी में उस रेन वाटर में ये सारे एसिड्स प्रेजेंट होंगे इसीलिए उस बारिश को हम क्या क्या बोल 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 देते 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 हैं 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 एसिड एसिड रेन रेन क्यों क्योंकि बारिश के पानी में इतने सारे एसिड्स है ना तो ऐसी बारिश को हम क्या बोल देते हैं, हैं। है? क्यूं? है तो एसिड रेन बोल, बोल देते हैं अब ये एसिड रेन जहां जहां गिरेगी वहां वहां डिस्ट्रक्शन कॉज होगा ताजमहल के लिए अब तो फिर भी जो है यूपी सरकार बहुत ही एक्टिव मोड पर आ चुकी है कि नहीं भैया Uh, इतना जो है ना हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट uh, है है ना तो उसको इतना मतलब उसको जो है डिस्ट्रॉय नहीं होने दे सकते हैं एक्चुअली हुआ क्या था कि ये नाइन्टीज़ की बात है आगरा में ना ताजमहल के आसपास बहुत uh, बड़ा बोल सकते हो कि इंडस्ट्रियल एरिया है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं तो लगातार क्या हुआ वहाँ से इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट निकला हार्मफुल गैसेज निकली एयर में गई और uh, बारिश जब आई तो बारिश के पानी में ये सब गैसेस जाके घुल गई एसिड्स बन गए बारिश के पानी में और वो बारिश कैसी बन गई एसिड रेन बन गई और वही एसिड रेन क्या हुआ ताजमहल के ऊपर आकर के गिरी भाई एसिड रेन ताजमहल के ऊपर आकर के गिरी ताजमहल किससे बना है मार्बल का बना है तो मार्बल के ऊपर एसिड रेन में प्रेजेंट ये जो सारे एसिड्स है ना ये जाकर के अटैक कर देते हैं ताजमहल के मार्बल के ऊपर एसिड रेन में प्रेजेंट ये सारे एसिड जाकर के अटैक कर देते हैं तो मार्बल जो है करोड होने लग गया मार्बल मार्बल जो होता है वो तो एकदम चमकदार वाइट होता है ना लेकिन क्या हुआ एसिड रेन में जो एसिड्स प्रेजेंट थे वो जाकर के मार्बल को करोड करने लग गए तो मार्बल जो है पीला पीला ब्राउन ब्राउन सा होने लग गया तो ताजमहल का जो वाइट कलर है वो अब आप जाकर देखोगे ताजमहल को तो वो उतना वाइट नहीं दिखेगा अब वो थोड़ा सा येलो हो गया है मतलब डर्टी येलो सा हो गया है ताजमहल का कलर इनिशियली एकदम झकाझक ज़क वाइट था लेकिन क्योंकि एसिड रेन हुई लगातार कई सालों तक ऐसा नहीं कि एक बार की ही एसिड रेन में जो है ना तबाह हो गया ताजमहल ऐसा नहीं है लगातार कई सालों तक एसिड रेन होती गई किसी ने इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी ध्यान नहीं दिया मार्बल जो है कोरोड होता गया अब जो मार्बल का कलर है तो थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि ख़राब सा हो गया है पीला पीला सा हो गया है इसलिए जो ताजमहल है वो अब पीला नज़र आता है तो ये बात ताजमहल की तो है ही उसके अलावा बाकी जितने भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं सबकी वही कहानी है कि एसिड रेन जहाँ भी गिरेगी वहाँ पे तबाही मचाएगी जो हमारे बाकी के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं ठीक है ना आ, वो भी बेटा मतलब कितने पुराने हैं ना वो तो तो उन वो जिन पत्थरों के बने हैं वो भी बहुत पुराने हैं और उन पुराने पत्थरों के ऊपर एसिड रेन आकर के गिरेगी लगातार तो वो पत्थर भी क्या होंगे करोड होंगे तो जाहिर सी बात है जो हमारे बाकी के हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं वो भी जो है ना ख़राब हो जाते हैं ठीक है उसके अलावा ये जो एसिड रेन है ये केवल मोन्यूमेंट्स के ऊपर तो नहीं गिरती है भाई ये जो एसिड रेन है ना ये तो आ, मिट्टी में भी गिरती है और मिट्टी में जब एसिड रेन जाएगी तो जाहिर सी बात है सॉइल का मिट्टी का जो पीएच है वो भी गड़बड़ हो जाएगा भाई सीधी सी बात है ना ये नॉर्मल बारिश का पानी नहीं है ये एसिड रेन वाला पानी है इस पानी में ये सारे एसिड्स डिजॉल्व हैं तो जहां जहां ये पानी जाएगा वहां वहां क्रोजन कॉज करेगा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा अगर बिल्डिंग के ऊपर गिरेगा तो बिल्डिंग का जो मटेरियल है वो करोड़ होगा मिट्टी के ऊपर गिरेगा तो मिट्टी का पीएच जो ना गड़बड़ हो जाएगा मिट्टी जो है खराब हो जाएगी और अगर मिट्टी खराब हो जाएगी तो जाहिर सी बात है मिट्टी पे जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उन पे असर पड़ेगा है ना उन पे असर पड़ेगा फसलें खराब हो जाती हैं किसानों की अगर ज़्यादा एसिड रेन होती है ना तो किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं क्यों एसिड रेन कहाँ जाती है मिट्टी में जाती है मिट्टी का पीएच जो है बिगड़ जाता है और मिट्टी के पीएच बिगड़ने से क्या होता है मिट्टी पे जो प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं जो खेती हो रही होती है ना वो खेती बर्बाद हो जाती है फसल बर्बाद हो जाती है कभी कभी किसानों की इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट प्लांट्स हैव अ हेल्दी ग्रोथ ओनली वन द सॉइल हैज अपेसिफिक पीएच रेंज जाहिर सी बात है जैसे कि हमें जीने के लिए हमने क्या पढ़ा कि एनिमल्स की बॉडी में जो अधिकतर रिएक्शन हो रही होती हैं उन रिएक्शंस को होने के लिए पी एच की एक नैरो रेंज चाहिए होती है सात से लेकर के सेवन पॉइंट एट ठीक वैसे ही प्लांट्स को मिट्टी में ग्रो करने के लिए मिट्टी की उनको एक पी एच की एक छोटी सी रेंज चाहिए होती है हेल्दी पी एच रेंज चाहिए होती है सॉइल की प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ना वो बहुत अल्कलाइन होनी चाहिए ना वो हाईली एसिडिक होनी चाहिए है ना अगर मिट्टी ज्यादा एसिडिक हो जाएगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर मिट्टी ज्यादा अल्कलाइन हो जाएगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे ज्यादा खाद डालने से भी मना करते हैं कभी आपने सुना हो तो ज्यादा खाद डालने से भी मना करा जाता है क्यों मना किया जाता है क्योंकि ज्यादा खाद डालने से क्या होता है नो डाउट no मिट्टी आपकी फर्टाइल हो जाएगी लेकिन मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है ना वो चेंज हो जाती है तो ज्यादा खाद डालने से भी मना किया जाता है ज्यादा खाद डालने से भी मना किया जाता है कि भैया अगर ज्यादा खाद ऐड कर दी मिट्टी में सॉयल में तो मिट्टी का जो पीएच है वो चेंज हो जाएगा अल्कलाइन हो जाएगा और जो प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे ठीक है तो बेसिकली प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ना उनको सॉयल की एक हेल्दी पीएच रेंज चाहिए होती है हेल्दी पीएच रेंज चाहिए होती है ना ज्यादा अल्कलाइन ना ज्यादा एसिडिक और अगर एसिड रेन आकर के गिर जाएगी तो जाहिर सी बात है मिट्टी की जो पी वैल्यू है वो एसिडिक हो जाएगी और एसिडिक मिट्टी में प्लांट्स नहीं ग्रो कर पाएंगे तो एसिड रेन से ना सिर्फ मॉन्यूमेंट्स पे फर्क पड़ता है बिल्डिंग्स के रॉ मटेरियल मतलब करोड होते हैं बल्कि आप बोल सकते हो कि प्लांट्स पे भी जो है ना बुरा असर पड़ता है अच्छा वही एसिड रेन क्या होती है वही एसिड रेन नदी के पानी में भी जाके गिरेगी भाई बारिश हो रही तो बारिश का पानी तो हर जगह जाएगा ना बारिश का पानी मिट्टी में भी जाएगा बारिश का पानी सड़कों पे भी जाएगा बारिश का पानी बिल्डिंग के ऊपर भी गिरेगा बारिश का पानी नदी और तालाब के पानी में भी मिक्स होगा तो जब नदी और तालाब के पानी में एसिड रेन का पानी जाता है तो नदी और तालाब के पानी आ, की जो पीएच वैल्यू है वो भी चेंज हो जाती है तो नदी और तालाब में जो यू नो एक्वेटिक लाइफ है वो भी सफर करती है मछलियां मर जाती हैं प्लांट्स जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एसिड रेन के कारण मतलब एसिड रेन जहां जाएगी ना वहां वहां डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी चलो फिर हम बात करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की हम सबको पता है कि हमारे स्टमक में क्या होता है एच सी होता है एच सी तो होता है क्यों होता है ताकि एक एसिडिक मीडियम एक एसिडिक पीएच जो है स्टमक uh, में बने और जो इनएक्टिव पैप्सिनजन एंजाइम है वो पैप्सिन में कन्वर्ट हो और प्रोटीन को जो है ना डाइजेस्ट करे तो पैप्सिनजन के कन्वर्जन के लिए उसके एक्टिवेशन के लिए इंटू पैप्सिन एच जो है हमारे स्टमक में सेक्रेट होता है उसके अलावा इसका एक और फ़ायदा होता है कि जब भी आप कुछ ठेले uh, के मतलब ठेले का जो है ना गंदा खाना खाते हो तो खाना तो आपने खाया प्लस उसमें जो भी जर्म्स है जो भी बैक्टीरिया हैं जब वो आपके पेट में आते हैं तो पेट का जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना वो क्या करता है उन गंदे जर्म्स एंड बैक्टीरिया को मार गिराता है ताकि खाना तो ठीक है लेकिन जर्म्स जो हैं वो बॉडी में इन्फेक्शन ना कॉज ना कर पाए फूड पॉइजनिंग ना कॉज कर पाए तो इसका ये भी फायदा होता है कि जो भी हम ठेले की गंदी जो खाना खाते हैं उस खाने में जो भी हमारे बैक्टीरिया और जो जर्म्स होते हैं ना वो जैसे ही हमारे पेट में आते हैं पेट में जो एसिड होता है वो क्या करता है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है तो हमें फूड पॉइजनिंग नहीं हो पाती है ठीक है फिर उसके बाद में क्या होता है कभी कभी हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जैसे कि स्पाइसी फूड हमने ज्यादा खा लिया तो पेट में जो एच एसिड है वो ज्यादा सेक्रेट होने लग जाता है और ज्यादा सिक्रीशन से क्या होता है फिर पेट में चलन भाई एक हद के बाद तो एच क्या करेगा अगर ज्यादा ही एच बन गया पेट में तो वो ऊपर की तरफ आएगा रिफ्लक्स होगा है ना स्टमक की जो आ, इनर लाइनिंग होती है वो तो एसिड के प्रकोप से बची रहती है म्यूकस क्या करता है एसिड को एसिड के प्रकोप से स्टमक की लाइनिंग को बचा के रखता है लेकिन अगर जरूरत से वह एसिड बन गया पेट में तो फिर वो एसिड ऊपर चढ़ेगा मतलब कहां आएगा ईसोफेगस में आएगा और ईसोफेगस की जो लाइनिंग है उसको एसिड से बचाने के लिए कोई नहीं होता भाई स्टमक की जो लाइनिंग है उसको एसिड के प्रकोप से बचाने के लिए म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं वो क्या करते हैं म्यूगस निकालते है. म्यूकस क्या करता है स्टमक की लाइनिंग को बचाता है एसिड के प्रकोप से लेकिन अगर वही एसिड ऊपर चढ़ेगा तो ईसोफेगस ईसोफेगस में आएगा की लाइनिंग को एसिड से बचाने के लिए कोई नहीं होता तो ईसोफेगस में जलन होने लग जाएगी कि बापरे जलन हो रही है कुछ करो कुछ करो कुछ करो फिर आपको प्रिस्क्राइब की जाती है एंटासिड एंटासिड में क्या होता है माइल्ड बेस होता है जो आपके पेट में एक्सेस एसिड को जा करके न्यूट्रलाइज करता है तो एंटासिड में कॉमनली यूज होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज की मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं और ये वीक बेस होता है जो स्टमक में जाकर के क्या करेगा जो एक्सेस एसिड बना है उसको जाकर के शांत करेगा ताकि जलन ना हो एसिडिटी ना हो एसिड रिफ्लेक्स ना हो ठीक है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है कभी कभी हो जाती है ज़रूरत ज्यादा ही जो है ना पेट में एसिड बन जाता है ऊपर उठने की कोशिश करता है एसिड रिफ्लक्स होता है जलन होने लगती है पेन तक होने लगता है उसको शांत करने के लिए हम क्या लेते हैं एंटासिड जिसमें कि होता है माइल्ड बेस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो पेट के एसिड को जाकर के शांत कर देगा इसके बाद में टूथ डिक डिक्के बाय एसिड भाई बोलते हैं मम्मी पापा कि रात में ब्रश कर लिया करो क्यों बोलते हैं क्योंकि रात भर देखो खाना आपने खाया तो पूरा खाना जो है ना आपके मुंह से हट नहीं जाता है थोड़े बहुत खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो दांतों के बीच में फंस जाते हैं दांतों के बीच में जो खाने के पार्टिकल्स हैं वो फंस जाते हैं बैक्टीरिया क्या करते हैं उन फूड पार्टिकल्स को आकर के डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं और जब वो डाइजेस्ट करते हैं तो एसिड प्रोड्यूस होता है उस एसिड से क्या होता है आपका पूरा जो मुंह का जो पीएच है वही एसिडिक हो जाता है और अगर मुंह का जो पीएच है वो 5.5 से नीचे गिरा तो फिर दांत का जो इनेमल होता है वो सड़ने लग जाता है घुलने लग जाता है और जिसको अपन क्या बोलते हैं कि भैया कैविटी हो गई है कैविटी का मतलब ही क्या होता है देखो हमारे दांत के ऊपर क्या होता है इनेमल होता है ठीक है जो किसका बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है ये होता तो बहुत ही टफ है पानी में इनसॉलेबल होता है लेकिन अगर माउथ में पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो गई माउथ में पीएच की वैल्यू 5.5 से कम हो गई तो फिर क्या होगा ये जो इनेमल है ना ये डिजॉल्व होने लग जाएगा इनेमल में जो ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है वैसे तो ये पानी में इनजोलेबल होता है लेकिन अगर मुंह में पीएच की वैल्यू 5.5 से गिर गई कम हो गई तो फिर ये इनेमल का जो कैल्शियम फॉस्फेट है ये डिजोल्व होने लग जाएगा और इससे हम बोलेंगे कि क्या हो गया है कैविटी हो गई है दांत में अब आप बोलोगे कि माउथ में पीएच फाइव से कम होगा ही क्यों ब्रश नहीं करोगे तो और क्या होगा ब्रश नहीं करोगे दांतों के बीच में जो खाना फंसा रहेगा ना उस खाने को आकर के जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे डाइजेस्ट करेंगे और डाइजेशन से क्या होगा एसिड निकलेगा वो एसिड क्या करेगा माउथ के पीच को 5.5 से कम कर देगा तो इनेमल जो है उसका जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो घुलने लगेगा और जो दांत है वो सड़ने लग जाएंगे एसिड वो उसमें क्या बोलते हैं टूथ डिके बोलते हैं इसीलिए बोलते हैं कि भैया कम से कम जो है ना ब्रश कर लो ब्रश करने से क्या होता है भाई ब्रश हम सिंपल ब्रश तो नहीं मारते हैं। सिंपल ब्रश से भी फायदा हो सकता है जो दांतों के बीच में जो खाना फंसा हुआ है वो निकल जाएगा है ना तो एसिडिक uh, पीएच जो है वो माउथ में ज़्यादा नहीं बनेगा माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से नीचे नहीं गिरेगा लेकिन हम टूथपेस्ट के साथ क्या करते हैं ब्रश करते हैं एक्चुअली टूथपेस्ट क्या होता है टूथपेस्ट नेचर में अल्कलाइन होता है तो वो अल्कलाइन टूथपेस्ट क्या करता है जा करके माउथ में एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज कर देता है और एसिड के न्यूट्रलाइज होने से क्या होता है इनेमल में जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो डिजॉल्व नहीं होता और दांतों में कीड़ा नहीं लगता दांतों में टूथ डिके नहीं होता बेसिकली दांत खराब नहीं होता द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूज इज वेरी हाई वैन वी ईट स्वीट्स या शुगरी फूड स्पेशली अगर हमने कुछ मीठा खाया है फिर तो बेटा जो एसिड बनेगा वो तो गजब का बनेगा

दस वी कैन चेक द क्वालिटी ऑफ अ टूथपेस्ट बाय फाइंडिंग इट्स पीएच कि जितना ज्यादा पीएच होगा टूथपेस्ट का जितना ज्यादा पीएच होगा मतलब उतना ज्यादा वो अल्कलाइन होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा इफेक्टिवली हमारे माउथ के एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा फिर उसके बाद में कुछ एनिमल्स और प्लांट्स में क्या होता है जो पीएच है वो उनके डिफेंस का एक तरीका बन जाता है कैसे मधुमक्खी के बारे में आपने सुना ही होगा चीटी के बारे में आपने सुना ही होगा चीटी काट लेती है मधुमक्खी डंक मार देती है तो जब भी चीटी काटती है और जब भी मधुमक्खी डंक मारती है तो हमें जलन क्यों होती है क्योंकि मधुमक्खी के स्टिंग में और चीटी के स्टिंग में क्या होता है एसिड होता है कौन सा फॉर्मिक एसिड जिसको अपन मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं मतलब जब भी चींटी डंक मारे या मधुमक्खी डंक मारे तो डंक मारने से होता क्या है उनके स्किन में आ जाता है फॉर्मिक एसिड या मिथेनॉयिक एसिड अब यार स्किन में एसिड आएगा तो जलन तो होगी ना दुखेगा इरिटेशन होगी तो इसको जो है आ, रिलीफ कैसे पाया जाता है बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा क्या होता है नेचर में बेसिक होता है तो वो जाकर के क्या करेगा फॉर्मिक एसिड को मिथनोइक एसिड को जाकर के न्यूट्रलाइज कर देगा तो चीटी और हनी बी के डंक में क्या होता है एसिड फॉर्मिक एसिड या मिथनोइक एसिड स्किन में जाता है तो इरिटेशन होती है उसको दूर करने के लिए उससे रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं माइल्ड बेस लगाते हैं ये नहीं कि तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया स्ट्रॉन्ग <laughs> बेस नहीं डालना है वीक बेस लेना है जैसे कि बेकिंग सोडा वो क्या करेगा एसिड को जाकर के नलीफाई करेगा न्यूट्रलाइज करेगा तो जलन इरिटेशन सब बंद हो जाएगी उसके अलावा नेटल प्लांट होता है जिसकी ऐसे स्टिंगिंग जो है ना मतलब एक नेटल प्लांट होता है जिसकी ऐसी लीफ होती है और लीफ में ऐसे स्टिंगिंग हेयर प्रेजेंट होते है। ये दिख हैं ये रहा है बहुत ही बारीक होते हैं बहुत ही बारीक होता है ठीक है तो ये होती है नेटल प्लांट की लीफ जिसके ऊपर ऐसे स्टिंगिंग हेयर पाए जाते हैं स्टिंगिंग हेयर पाए जाते हैं ये स्टिंगिंग हेयर नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर आपने जाकर के उसको छुआ तो जो उसके हेयर है ना वो आपकी स्किन में ऐसी स्टिंग मार देंगे डंक मार देंगे और डंक मार देंगे तो क्या होगा जलन होगी क्यों क्योंकि इनके स्टिंगिंग हेयर में भी क्या होता है स्टिंगिंग हेयर में भी आप बोल सकते हो कि मिथेनॉइक एसिड ही होता है तो अगर आपने नेटल नेटल प्लांट के पत्ती को जाकर के छूने की कोशिश करी टच करने की कोशिश करी तो लीव्स के ऊपर जो ऐसे स्टिंगिंग हेयर होता है ना वो आपकी स्किन में घुस जाएंगे और घुसेंगे तो स्किन के अंदर क्या जाएगा? आ जाएगा फॉर्मिक एसिड आ जाएगा मिथनोइक एसिड आ जाएगा जलन हो जाएगी ऐसा क्यों होता है भाई डिफेंस के लिए डिफेंस के लिए कि कोई मतलब ये तो आपकी बात हो गई कोई दूसरा जानवर है वो आकर करके इसको खाने की कोशिश करेगा तो इसकी तो बैड बच जाएगी तो ये क्या करता है अपने डिफेंस के लिए पत्तियों के ऊपर ऐसे स्टिंगिंग हेयर लगा करके रखता है तो अगर कोई जानवर आएगा और इसको खाने की कोशिश करेगा तो जानवर के मुंह में जो है या मुंह के आसपास ये जो स्टिंगिंग हेयर हैं ये ऐसे गड़ जाएंगे और मिथेनॉइक एसिड घुस जाएगा जानवर की स्किन के अंदर तो जानवर को जो है ना जलन होगी और वो वहाँ से भाग जाएगा तो अपने डिफेंस के लिए ये स्टिंगिंग हेयर बना के रखते हैं पत्तियों के ऊपर और स्टिंगिंग हेयर में क्या होता है मिथेनॉइक एसिड ठीक है अच्छा नेचर क्या करती है बड़ी मज़ेदार होती है अगर जख्म दिया है तो उसका इलाज भी रखती है कैसे ये जो होता है ना आ, नेटल प्लांट इसके ही पड़ोस में एक प्लांट ग्रो करता है जिसको अपन बोलते हैं डॉक प्लांट डॉक डॉक कुत्ता नहीं डॉग नहीं डॉक डी ओ सी के डॉक प्लांट हम बोलते हैं जो नेटल प्लांट के बगल में ही ग्रो करता है तो अगर तुमने सोचा कि यार चलो नेटल प्लांट की लीफ को तोड़ते हैं बड़ी अच्छी सी दिख रही हैं कुछ अलग अलग दिख रही हैं कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है पत्तियों के ऊपर चलो इनको तोड़ते हैं तो तुमने अगर तोड़ने की कोशिश करी स्टिंग जो है मतलब जो स्टिंगिंग हेयर है तुम्हारे स्किन में घुस जाएंगे तो मैं जो है ना जलन होने लगेगी क्यों क्योंकि मिथनोइक एसिड आ जाएगा स्किन के अंदर तो उस जलन को शांत करने के लिए क्या होता है नेटल प्लांट के ही पड़ोस में ये डॉक प्लांट ग्रो कर रहा होता है डॉक प्लांट ग्रो कर रहा होता है ये क्या करता है बेस प्रोवाइड करता है तो अगर कभी तुम्हारा हाथ पड़ जाए नेटल लीफ की पत्तियों के ऊपर और तुम्हें जलन होने लग जाए तो उसके बगल में ढूंढना कि डॉग प्लांट कहाँ है डॉग प्लांट जहाँ मिलेगा उसको तोड़ना और उसको अपने स्किन में घिसना उससे क्या होगा बेस तुम्हारी स्किन में आ जाएगा तो जो ऑलरेडी एसिड आया है ना वो नलिफाई हो जाएगा तो जख्म दिया है तो उसका इलाज भी नेचर के पास है कि अगर नेटल प्लांट की लीव से तुम्हें चोट लगी है तो उसी के पास में क्या होगा डॉग प्लांट होगा जो तुम्हें बेस प्रोवाइड करेगा तो उसमें जाकर उसकी पत्तियों में जाकर के तुम अपने हाथ को घिसोगे ना तो जो बेस है वो आ जाएगा तुम्हारे हाथ में और एसिड को नलिफाई कर देगा ठीक है चलो फिर इसके बाद में रिगेनिंग शाइन ऑफ अ टार्निश्ड कॉपर वेसल बाय यूज ऑफ एसिड कॉपर के जो बर्तन होते हैं ना बेटा वो लगातार इस्तेमाल करते करते काले पड़ जाते हैं क्यों लगातार इस्तेमाल से क्या होता है जो ऑक्सीजन होती है ना एयर में वो जाकर के रिएक्ट कर जाती है कॉपर के साथ और कॉपर ऑक्साइड बन जाता है कॉपर ऑक्साइड बन जाता है तो कॉपर ऑक्साइड की जो काली काली लेयर है वो पूरे बर्तन के ऊपर जो है ऐसी चढ़ जाती है कॉपर ऑक्साइड क्या होता है मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं ना नेचर में मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं नेचर में बेसिक होते हैं तो लगातार कॉपर के बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा वो काले पड़ जाते हैं क्यों क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो कॉपर के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेती है कॉपर ऑक्साइड बना लेती है कॉपर ऑक्साइड नेचर में क्या होता है बेसिक होता है तो इसकी पूरी ब्लैक कोटिंग जो है कॉपर के बर्तन के ऊपर आपको दिखेगी कॉपर के बर्तन के ऊपर आपको पूरी काली काली सी कोटिंग दिखेगी कॉपर का बर्तन बिल्कुल काला हो जाएगा अब इसको साफ करने के लिए क्या करते हैं लेते हैं नींबू और नींबू से घिस देते हैं क्यों नींबू क्या है एसिड तो एसिड के साथ में जब ये बेस रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा सॉल्ट और पानी तो सॉल्ट जो है पानी के साथ धुल जाएगा तो जो बर्तन है वो फिर से क्या होगा चमकदार हो जाएगा दिवाली के टाइम पे आपने देखा होगा ना मम्मी क्या करती है कॉपर के बर्तनों को नींबू से साफ करने के लिए बैठती हैं घिसती हैं उसको नींबू में क्या होता है एसिड एसिड क्या करेगा इस कॉपर ऑक्साइड बेस के साथ में रिएक्ट करेगा सॉल्ट बन जाएगा और ये सॉल्ट पानी से धुल जाएगा और जो बर्तन है वो चकाचक सफेद हो जाएगा

उसके अलावा ये तो हम पढ़ चुके हैं कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है मसल्स में तो लैक्टिक एसिड जो है बन जाता है और लैक्टिक एसिड वही जो है मसल्स uh, के uh, जो आसपास है वहाँ पे डिपॉजिट होता है और फिर मसल्स जो है ना थक जाती हैं पैर दुखने लग जाते हैं तो हम पढ़ चुके हैं ना नेक्स्ट पी वैल्यू कुछ दी हुई है यहाँ पर आपको सल्यूशन की एच का पी कितना है ज़ीरो बैटरी एसिड पॉइंट तो ये कुछ बेसिक आप बोल सकते हो कि पी एच वैल्यूज हैं सोल्यूशन की चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो ठीक है चलो so के इस सेशन के लिए इतना ही आज अपन ने पूरा जो है पी uh, पढ़ लिया है यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ लिया है रोजमर्रा की जिंदगी में पीएच का क्या रोल होता है वो भी हमने पढ़ लिया तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने अगले सेशन में तब तक के लिए कि Learning with Magnet Brains. Thank you for watching. Bye-bye.